बात अब कैथल की। कैथल में प्रतिमा अनावरण का विवाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षों से पूछा है कि क्या अदालत की ओर से प्रतिमाओं के अनावरण पर रोक लगा देनी चाहिए। सभी पक्षों को 3 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया गया है। बता दें कि सोमवार को राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक बेनतीजा रही थी। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जो मूर्ति वाला विवाद है ये काफी लंबा होता जा रहा है। ये विवाद मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, कल खबर ये आ रही थी कि मुख्यमंत्री से अच्छे तरीके से बातचीत हुई है, एक बार फिर से बैठक होगी और उसमें समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में पहुंच चुका है। बिल्कुल, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है क्योंकि ये जो विवाद है ये बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षों को बुलाया था और उनके हस्तक्षेप के बाद भी 3 घंटे ज्यादा बातचीत चली, तब भी इस मामले का समाधान नहीं निकल पाया। मतलब साफ है कि जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जहां गुर्जर समाज गुर्जर शब्द लगवाना चाहता है सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम के आगे, वहीं राजपूत समाज चाहता है कि वहां पर हिंदू शब्द लिखा जाए, और दोनों ही समाज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पहली बैठक मुख्यमंत्री के साथ हुई थी और कल भी जो है दोबारा बैठक हो सकती है, मुख्यमंत्री दोबारा लोगों से बैठक कर सकते हैं ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। जहां तक हाईकोर्ट की बात है तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है इस विवाद के खिलाफ कि जो ये विवाद है, इस तरह के जो विवाद है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। दो समुदाय में इस तरह से अगर विवाद होता है तो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं अनिल राणा, उन्होंने जो जानकारी दी थी, जानकारी जो भेजी गई थी वो यही थी कि हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया इस मामले पर और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों से भी जवाब मांगा है कि ये जो विवाद है ये क्यों किया जा रहा है और क्या समाज के लिए, ये जो इतना बड़ा विवाद है समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और अगर इस तरह की बात मूर्ति अनावरण में किए जाएंगे तो मूर्तियों का अनावरण पर ही रोक लगा देनी चाहिए। इस तरह के सवाल जो है वो हाईकोर्ट ने पूछे और 3 अगस्त तक जवाब देने के लिए भी कहा है हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से भी जवाब, और जो भी तमाम पक्ष हैं इस मामले में उनके उनसे भी जवाब जो है 3 अगस्त तक हाईकोर्ट ने मांगा है, और जवाब आने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो हाईकोर्ट की ओर से की जाएगी और हाईकोर्ट इस मामले पर भी फैसला सुना सकता है। इस मामले को खत्म करने के लिए कुछ भी आदेश जो है वो हाईकोर्ट की ओर दिए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विवाद है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और सामाजिक सौहार्द के लिए इस तरह की बात जो है बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कल या परसों दोबारा एक बार मुख्यमंत्री से बैठक हो सकती है दोनों समाजों की, राजपूत और गुर्जर समाजों की, और साथ ही साथ हाईकोर्ट 3 अगस्त तक जो जवाब मांगा है उस जवाब के आने के बाद जो है अगला आदेश या अगला निर्देश हाईकोर्ट अपनी तरफ से दे सकता है। जी जी बिल्कुल, वहीं पर अगर देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी और उस वक्त दोनों पक्षों ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता बहुत अच्छे तरीके से हुई है, उन्होंने हमारी बात समझी है और अब वो जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं और अगली बैठक में हो सकता है कि ये फैसला हो भी जाएगा। इस तरीके की बातें उस बैठक के बाद निकल कर आई थी, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। क्या मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं था क्या दोनों पक्षों को? देखिए, मुख्यमंत्री पर विश्वास ये है कि मुख्यमंत्री दोनों पक्षों से आग्रह कर रहे हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी एक पक्ष को झुकना जरूर पड़ेगा, ताकि एक पक्ष को जीत जो है वो अपनी हटानी पड़ेगी ताकि ये विवाद खत्म हो सके। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो जो बातें हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष फिलहाल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक हाईकोर्ट का मामला है, हालांकि हाईकोर्ट में इन दोनों पक्षों की ओर से कोई याचिका नहीं लगाई गई है, एक अन्य याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि इस तरह के जो विवाद हैं ये खत्म होने चाहिए और ये विवाद नहीं होने चाहिए। उस याचिकाकर्ता ने ना तो गुर्जर समाज का पक्ष लिया है और ना ही राजपूत समाज का पक्ष लिया है, सिर्फ इतना कहा है कि ये जो विवाद है ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और सरकार को इस विवाद को खत्म करवाना चाहिए। लेकिन जब तक कोई भी पक्ष जो है वो झुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता, तब तक इस विवाद को सुलझाना वो संभव नहीं है और मुख्यमंत्री इसी कोशिश में लगे हैं कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए ताकि दोनों पक्षों की बात रह जाए और दोनों की जीत पूरी हो जाए और ये जो विवाद है ये भी खत्म हो जाए। कैथल में विवाद चल रहा है और जितना लंबा विवाद ये चलता रहेगा उतने ही ज्यादा लोग इस विवाद में जुड़ते रहेंगे और दो पक्षों में इस तरह विवाद होना वो एक कानून व्यवस्था के लिए कहें या सामाजिक शांति के लिए कहें वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में विवाद कितना सुलझ पाता है, मुख्यमंत्री कितने विवाद को सुलझा पाते हैं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।